गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम अंजनी फ्रॉम राइम्स। टूडे आई विल टीच यू द फिफ्थ चैप्टर ऑफ साइंस ऑफ क्लास वन द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ एनिमल्स अराउंड अस हमारे आस पास के जानवर यानी वह जानवर जो हमारे आस पास रहते हैं या दिखाई देते हैं इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट सम टॉपिक्स दीज आर pets and farm animals second birds third fish fourth wild animals fifth insects and sixth and last how do animal moves now start the chapter take the animals that you have seen in your neighborhood or surrounding. वैसे जानवर पर निशान लगाइए जिन्हें आप अपने पड़ोस में या अपने आसपास में देखते हों इस पिक्चर में काव कैट गोट ये हम अक्सर अपने आसपास देख लेते हैं जबकि टाइगर एंड बियर को हम कभी भी अपने आसपास नहीं देख पाते हैं क्यों नहीं देख पाते तो हम इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये एनिमल्स हमेशा फॉरेस्ट में यानी जंगल में ही होते हैं वी फाइंड डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस सम एनिमल्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल एंड सम आर टिनी। हम अपने आस तरह तरह के जानवरों को देखते हैं जिनमें से कुछ बड़े जानवर होते हैं कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बहुत ही छोटे होते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेट एंड फार्म एनिमल्स चलिए अब हम लोग जानते हैं कि पेट एंड फार्म एनिमल्स क्या है और कौन है सम पीपल्स हैव पेट्स कुछ लोग जानवरों को पालते हैं यानी अपने पास पालतू को रखते हैं डॉग कैट फिश पैरोट एंड रैबिट आर सम एनिमल्स डैट स्टे इन आवर होम एज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली कहने का मतलब कुत्ता बिल्ली मछली तोता और खरगोश ये ऐसे कुछ जानवर हैं जिन्हें हम अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों की तरह रहने देते हैं या उसे रखते हैं वी कॉल देम पेट्स हम इन्हें पालतू कहते हैं सम एनिमल्स सच एस बफेलोस सिप हैंस डग एंड हॉर्स